हाँ जी बोलो, बीच कौन सा डाउट बोल रहे हो? सर मैंने 23.13 का सिक्स क्वेश्चन, 23.13 का क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट? प्रूव दैट दी स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस एंड दिस फॉर्म एन एसोसिएटेड एंगल हुज वर्टिकल एंगल इज 2 tan इनवर्स ए बाई बी। देखो जरा, सबसे पहले एक लाइन वो बोल रहा है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab, एंड एक लाइन बोल रहा है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 2ab, एंड एक लाइन बोल रहा है वो एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एसोसिएटेड एंगल, एंड उसका जो एसोसिएटेड एंगल का वर्टिकल एंगल का मतलब जो दो एंगल बेस वाले एंगल है वो जो इक्वल है उनको छोड़ के बाकी जो थर्ड वाला एंगल है वो हमें प्रूव करना, वो क्या है 2 tan इनवर्स ए बाय बी। ठीक है, हाँ जी चलें। यस सर। राइट, हो सकता है इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगे, अगर लगी तो फिर छोड़ देंगे क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th का पार्ट है, अगर नहीं लगी तो फिर करते हैं। ठीक है, अप्रोच करते हैं, लेट्स सी क्या आ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका स्लोप माइनस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ठीक है, इस लाइन का स्लोप माइनस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, एंड इसका स्लोप -1। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि अगर ये स्लोप m है तो ये उसी का रेसिप्रोकल है, तो 1/m, बस ये चीज है ना, एक m है तो दूसरा 1/m है, तो दैट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट 1 जा रहा है माइनस 1 नहीं जा रहा, तो 90 डिग्री तो है नहीं। ठीक है, अच्छा अब मैं ये काम कर सकता हूं कि इन दोनों के बीच, पहले तो आइसोसेलेस एंगल प्रूव करना है, तो मेरे को प्रूव करना है कि इन दोनों के बीच में जो टैन थीटा आएगा और इन दोनों के बीच में जो टैन थीटा आएगा ऑब्वियसली वो सेम आएगा, वही दिखाई दे रहा वही सेम होगा, तो मेरे को इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा टैन थीटा दैट इज मोड ऑफ एम वन माइनस एम टू, एम वन माइनस एम टू क्या आ जाएगा लेट्स से दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एम वन माइनस एम टू ओवर वन प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। नो दैट इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा एलसीएम लेके माइनस वन के साथ इधर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी ऐसे, और इधर आ जाएगा ए माइनस बी, ये ए माइनस बी कटेगा, इधर ए ए कटा तो आ गया 2b, और नीचे बी बी कटा तो आ गया 2a, ये कटा इसका मोड, तो दैट इज बी बाय ए का मोड, ये आ गया इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब ऐसे लेट से थीटा वन, ये थीटा टू, ये मैंने थीटा वन निकाला, अब इन दोनों के बीच का एंगल टेन थीटा टू दैट इज मोड ऑफ एम वन माइनस एम टू, तो माइनस वन एम वन माइनस एम टू, तो माइनस वन प्लस ए माइनस बी बाय ए प्लस बी ओवर वन प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट में अगेन क्या आ जाएगा ए माइनस बी बाय ए प्लस बी, एलसीएम लेके ए प्लस बी इधर एंड इधर माइनस ए माइनस बी, तो इधर ए ए कटा ए प्लस बी कटा बी बी कटा तो आ गया माइनस टू बी डिवाइडेड बाय टू ए का मोड, टू टू कटा तो अगेन बी बाय ए का मोड, तो यस बी बाय ए का मोड, बी बाय ए का मोड, तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, दोनों का टेन थीटा बराबर आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ, डीट क्लियर है? यस सर। राइट, अच्छा नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली हमें प्रूव करना है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है हमारा ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये हटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज थीटा, तो टेन थीटा इज दिस माइनस दिस कर दो, तो माइनस ए प्लस बी बाय ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन एम टू, और एम वन एम टू बेसिकली ये अगर m है तो ये 1/m है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1, तो यहां पे नीचे प्रोडक्ट आता है तो वो क्या आ गया 1, क्लियर है? अब एलसीएम लिया तो ये इधर
ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा ना, माइनस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस यहां पे ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ब्रैकेट ओपन हुआ, ये माइनस एंड मॉड डिवाइडेड बाय टू एंड साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कटा, तो आ गया माइनस फोर ए बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टू टू कटा और इसका मॉड, तो दैट इज टू ए बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड, दैट इज योर टैन थीटा, राइट। अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल यूज हो रहा है जो रूल तुम्हें नहीं आता अभी, ठीक है, तो यहां पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज एंगल बिटवीन, रीड क्लियर हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बच्चे अभी रूल नहीं आता आपको तो मत करो, क्योंकि रूल ही ट्वेल्थ का यूज हो रहा है। अच्छा ये देखो जरा, लेट सी मैं इलेवेंथ के तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, टेन थीटा इज, मैंने क्या किया इसको ए स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 2ab by a square divided by 1 minus b square by, तो b by a का whole square, ये इधर एक a कटा, तो इधर आ गया twice of b by a, इसका mod, ठीक है। अच्छा तो b by a को मैंने let's say tan phi दिया, तो क्या बन गया 2 tan phi by 1 minus tan square phi का mod, तो that is tan 2 phi, ठीक है। मोड को हटाना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि ये जो चीज है ये पॉजिटिव है, ये हटाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो प्रूव करना है वो यहीं से आएगा। अब देखो तो ये tan थीटा इक्वल टू टू, तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 phi, तो phi बेसिकली, अब यहां से मेरे को ये बताओ, याद है यहां से phi निकालना है, phi कैसे निकालते हैं, tan को इधर ले आओ, तो दैट इज tan इनवर्स b by a, दैट इज phi, रीड क्लियर है, yes, sir। तो ये फाई की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो क्या आ गया थीटा 2 टेन इनवर्स बी बाय ए, बट अगेन ये जो प्रोसेस किया ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तुम्हारे लिए, अभी नहीं समझ में आएगा, ए बाय बी, और अपना क्या है बी बाय ए, एक्चुअली में ए बाय बी भी आ जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जो हमने यहां पे ए स्क्वायर से डिवाइड किया वो मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा टू b स्क्वायर से डिवाइड किया ना, तो bb कटेगा, तो 2a by b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 को हम लेके क्या बन जाएगा 1 माइनस a by b का होल स्क्वायर, लेकिन मोड के अंदर है तो मोड के अंदर नेगेटिव हटेगा, मे बी मोड हटना ही ऐसे था कि ताकि वो नेगेटिव हट जाए, मे बी a एंड b में कोई ना कोई ऐसी कंडीशन दी होनी चाहिए थी जिसके कारण पता चलता कि यस मोड कैसे हटना है। अब जाके देखो जरा, अब ये क्या बन जाएगा, अब इसको फाइल लेके जाओ, तो ये 2 tan phi over 1 minus tan square phi बन गया, राइट। तो बनने को मोड के कारण एक्चुअली में दोनों बन सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मोड को ओपन करना है, मोड को ओपन करने का तरीका एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था कि ये नहीं बनता, ये वही बनता, तो जाके क्या बनेगा यहां पे, अब हम क्या लेके जाएंगे a by b को लेके जाएंगे, तो फाइनल थीटा क्या आ जाएगा 2 tan inverse a by b, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन ये तुम्हें पता नहीं चलेगा कि a बाय b को लेके जाना है, b बाय a को लेके जाना है, ये मेरे को भी नहीं पता चला, ये कब पता चलेगा, जब a एंड b में कोई कंडीशन दी होगी, अदरवाइज नहीं कर सकते, रीड क्लियर हुआ, यस सर, इतना इनकॉम्प्लेक्स तो नहीं आएगा हमें, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअली में इसको देख के डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट ट्वाइस उसका जो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, बट वो ट्वेल्थ के बेसिस पे होता है, इलेवंथ के बेसिस पे नहीं, ट्वेल्थ के अंदर ये सारे फॉर्मूला है, ठीक है, तो मत सोचो इतना, ठीक है। और बोलो, इसकी का सेकंड और पहले सेकंड देख लो, मोड किया आपने, सेकंड देखो जरा, पहली लाइन की स्लोप क्या है, M1 नहीं, स्लोप 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 2, M2 माइनस 1, आप अगर वन लेके गए गलत है, ठीक है,
अच्छा आपका वन बाय मतलब जो आना चाहिए उसका रेसिप्रोकल आंसर आ रहा है। नहीं 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 फाइनल आंसर जो सेकंड वाले में जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है तो थ्री आना चाहिए था, तो मैंने वही बोला रेसिप्रोकल आया। अब वो पता चला क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि आपने किसके साथ एंगल निकाला, वन के साथ। देखो ये स्लोप है वन, ये लाइन है एम इक्वल टू टू की, आपने ये एंगल निकाला। एक्चुअली क्या निकालना था, माइनस वन के साथ। अच्छा वन अगर ये है तो माइनस वन की इसी के परपेंडिकुलर होगी, तो निकालना था ये, आपने निकाला ये। अब ये दोनों का सम क्या है, और अगर दोनों का सम 90 डिग्री होता है, ये फाइ, ध्यान से देखना, थीटा प्लस फाइ इज पाई बाय टू, तो थीटा इज पाई बाय टू माइनस, तो टेन थीटा इज टेन पाई बाय टू माइनस फाइ, यानी कि कॉट, यानी कि वन बाय, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो आपका अगर ये वाला थ्री आया था, वन बाय थ्री आया, तो देख के पता चल जाएगा कि यस अगर मैं वन के साथ निकालूंगा तो वो थ्री होगा, उसी का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। अगेन नॉट एक्सपेक्टेड बट स्टिल आपकी वो तो बिल्कुल बेसिक गलती चलेगी, क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया आपने। और बोलो, आई थिंक आपने स्लोप सेकंड का क्या लिया, वन नहीं माइनस वन है ना सेकंड लाइन का। अगेन क्या कैसे वन निकाल रहे हो उसका, एक्स प्लस वाई इक्वल वन का स्लोप वन कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला बताओ तो सही। करो आ रहा है ना माइनस वन अभी, ठीक है गुड। और बोलो प्लीज डाउट ऑनलाइन। हाँ जी तो इसी का ही टेंथ क्वेश्चन, इसी का टेंथ क्वेश्चन रीत वही है। सो इनवर्स वाला ही है इसमें भी, नहीं नहीं इनवर्स वाला इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली देख लो उन्होंने क्या बोल दिया, टू ए बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसके आगे उन्होंने इसका इनवर्स का कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया। तो देखो x by a plus y by b equal to 1, yes sir right, तो इसका स्लोप क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस 1 by a डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y यानी कि 1 by b, तो दैट इज माइनस b by a। नाउ सेकंड लाइन क्या है, x by a माइनस y by b दैट इज इक्वल टू 1, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 by a डिवाइडेड बाय माइनस 1 by b, ये कटा तो दैट इज b by a, तो माइनस बी बाय ए बी बाय ए, तो स्लोप क्या टेन थीटा क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच का, एम वन माइनस एम टू, तो बी बाय ए माइनस ऑफ माइनस बी बाय ए, तो प्लस बी बाय ए ओवर वन प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दैट इज माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का मॉड, तो दैट इज टू बी बाय ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इधर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ऊपर का मॉड, ए कटा तो टू ए बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड, राइट इजी। हाँ जी सर ठीक है। और बताओ और कोई, सारा होमवर्क चेक कर लो, अभी भी अगर किसी में डाउट हो तो बोलो। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दिस माइनस दिस करोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड है ना। आ ही नहीं सकता वो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, तो नीचे होता है वन प्लस एम वन एम टू, एम वन एम टू क्या आ रहा है माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट देखो, आप बेसिक गलतियां करो, कल फोकस नहीं था आपका या परसों, तो यहाँ पे माइनस आएगा, जो मर्जी हो जाए एलसीएम लेके, प्लस आ ही नहीं सकता, गलती की आपने। और बोलो प्लीज, चले आगे दीद, कोई डाउट और ऑनलाइन, किसी और का कोई डाउट? नो सर। चलो आ जाओ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो इमेज वाला चीज देख रहे थे, ठीक है, उसी पे दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। अब उसका शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से प्लीज समझना शॉर्टकट, ठीक है। देखो Let's say this is x1, y1 and this is ax plus by plus c equal to 0. Right? Now what I need is, yahan se perpendicular draw kiya, to ye point. This is called?
फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड उतना ही डिस्टेंस नीचे जाके, उतना ही डिस्टेंस दूर मिरर से जाके ये क्या आएगा, इमेज। ठीक है, अब फॉर्मूला ध्यान से देखना, x माइनस इस पॉइंट का x इक्वल टू y माइनस इस पॉइंट का y डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय लाइन पकड़ो, लाइन का सब कुछ एक साइड होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, राइट। तो x का ऑप्शन क्या है, a, तो x माइनस x1 के नीचे a आएगा, x का ऑप्शन, y माइनस y1 के नीचे b का ऑप्शन, सॉरी y का ऑप्शन b इक्वल टू माइनस वन इंटू ये पॉइंट को इस लाइन में पुट करा दो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स के क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस वाई के क्वेश्चन का स्क्वायर का, नहीं इतना ही, इतना कोई मोड नहीं, कुछ नहीं, राइट। अब यहां पे इसको जो सॉल्व करके हमें एक्स एंड वाई मिलेगा वो होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल, लेट से दिस पॉइंट इज, अच्छा उस दिन एग्जाम्पल की थी हमने एक, बहुत गंदा आया था, है ना, तो बोलो जरा ये पॉइंट क्या था, वन कोमा टू, और लाइन क्या थी, वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो करके देखते हैं, है ना। तो इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये बेसिकली एक्स एंड वाई क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई, तो एक्स माइनस जिस पॉइंट का निकालना है उसका एक्स, तो एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन का एक्स का क्वेश्चन थ्री, नेगेटिव होता तो नेगेटिव इन साइन साथ में आता, मतलब इंक्लूडिंग साइन क्वेश्चन लेना है, इक्वल टू वाई माइनस सोर्स का वाई टू डिवाइडेड बाय वाई का क्वेश्चन फोर इक्वल टू माइनस वन इंटू इस पॉइंट को इसमें, वन कोमा टू को इसमें पुट कर दो, तो एक्स की जगह वन तो आगे थ्री इंटू वन थ्री, वाई की जगह टू तो फोर टू द प्लस डिवाइडेड बाय एक्स का क्वेश्चन का स्क्वायर वाई का क्वेश्चन का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर 25, कुछ मोड वोड नहीं, कुछ अंडर रूट नहीं, एज इट इज, तो क्या आ गया जे माइनस 16 बाय 25, तो माइनस 16 बाय 25। अब सबसे पहले मैं इसको इसके साथ इक्वेट कराऊंगा, तो x माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू दिस, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस 1 इज माइनस 16 थ्री 48, तो माइनस 48 बाय 1 को उधर ले आओ प्लस वन, प्लस वन एलसीएम लेके 25, तो कितना आ गया माइनस 23 बाय 25। नाउ ऑब्वियसली आएगा नाउ वाई माइनस 2 बाय 4, तो वाई माइनस 2 की वैल्यू 4 को मल्टीप्लाई करो, 16 4 64, तो माइनस 64 बाय 25 प्लस 2, प्लस 2 का मतलब प्लस 50, तो क्या आ गया माइनस 14 बाय 25, तो पॉइंट आ गया माइनस 23 बाय 25 को माइनस 14 बाय 25, यही है। अब बोलो, हाँ जी क्लियर है शॉर्टकट, ऑनलाइन क्लियर हुआ आप, यस ऑब्जेक्टिव है तो लगाओ। अच्छा अब इमेज का है रूल बताऊंगा अभी, ठीक है थोड़ा लंबा चौड़ा रूल है, कोई बात नहीं देख लो पहले इमेज। इमेज के फॉर्मूला में, शॉर्टकट में और इसके शॉर्टकट में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, और वो है सिर्फ इसका, इमेज के अंदर यहां पे क्या आ जाएगा माइनस टू, बात खत्म, दैट्स इट। तो इमेज का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स वन बाय ए वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी का इमेज भी निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू y माइनस टू बाय फोर इक्वल टू, यही आ जाएगा ना, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा, इसका ट्वाइस करेंगे तो इसकी ट्वाइस हो जाएगा माइनस 32 बाय 25। अब पहले ये तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 96 बाय 25 प्लस वन, तो प्लस एलसीएम लेके 25, तो 96 में से 25 गए माइनस 71 बाय 25, ये आ रहा है राइट। अच्छा अब इसका
4 से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ गई 4 से मल्टीप्लाई करके 4 टू द 8, 4 थ्री द 12, तो -128 बाय 25, 2 इधर आया तो प्लस 50 एलसीएम मिल गए। तो 50 जब जाएगा तो 12 में से 5 गए 7, तो -78 बाय 25, यही आ रहा है -71 बाय 25 को -78 बाय 25, यही था राइट। तो इमेज आ गया, तो दोनों के अंदर सिर्फ फर्क है -1 और -2, और इसको याद रखने का तरीका, इसका डिस्टेंस ट्वाइस होता है इससे, तो इसलिए इमेज में 2 आता है, मतलब ये शॉर्टकट है याद रखने का, पैटर्न रिकॉग्नाइज किया और कुछ नहीं, ठीक है, ये नोट करो जल्दी। अगला टॉपिक लिखो, एंगल बाइसेक्टर। ये जनरली अब मैं टॉपिक जो बता रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी कवर नहीं करता, ठीक है, एंड जनरली स्कूल में नहीं पूछे जाते, अभी इसके बाद जो एक दो टॉपिक आएंगे, ठीक है, दो तीन टॉपिक जो आएंगे, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास के मिड तक या उससे पहले पहले हमारा स्टेटलाइन खत्म हो जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल ही हम स्टैट्स शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली। आना है, आ जाओ आ जाओ, उनका आई थिंक उनका भी कल तक जाएगा, ठीक है, तुम्हारा भी मोस्ट प्रोबेबली कल तक तो जाएगा ही, ठीक है, हो सकता है इंट्रोडक्शन हो जाए, हो सकता है ना हो, ठीक है ना, तो कल का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका भी कल का लेक्चर जाएगा, तुम्हारा भी मोस्ट प्रोबेबली कल का लेक्चर जाएगा, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा, कल का रहने दो फिर। हाँ, फ्राइडे टेस्ट सैटरडे से, सैटरडे से, सैटरडे से आ जाओ प्लीज। एंगल बाइसेक्टर, नो, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, पिछला वाला जो शॉर्टकट तुम बोल रहे थे ना कहां से आया, वो भी एक पर्टिकुलर टाइप बची हुई है हमारी स्ट्रेट लाइन की, डिस्टेंस फॉर्म, वो इसके बाद एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्म आएगा, वो बिल्कुल लास्ट में बतानी है, क्योंकि वो फॉर्म थोड़ी टेढ़ी है, तो जनरली बच्चे को थोड़ी कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में, इसलिए वो बिल्कुल लास्ट में मैं बताता हूँ, वो जनरली यूज नहीं होती है, ठीक है ना, तो उसके थ्रू वो डिराइव हो जाएगा, ठीक है ना, वो देख लेना। अब देखो, लेट से पहली लाइन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, और दूसरी लाइन है a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ठीक है। अब यार दो लाइंस के बीच में जब वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो इन दोनों लाइंस के बीच में क्या क्या एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा एक्यूट और एक एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज, राइट, और अगर ये दोनों एंगल छोटा बड़ा है तो ऑब्ट्यूज, और अगर ये दोनों बराबर है तो क्योंकि दोनों का स्थान 80 है तो 90 होगा, यानी कि इन दैट केस दोनों लाइंस क्या होंगी, ऑर्थोगोनल, बट राइट नाउ क्या है, एक्यूट ऑब्ट्यूज, राइट। अब देखो, ये आ गया तुम्हारा एक्यूट एंगल बाई सेक्टर, देखो ये आ गया एक्यूट एंगल बाई सेक्टर, एंड ये आ गया ऑब्ट्यूज एंगल बाई सेक्टर, जिसके लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एंगल बिटवीन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इज पाई बाय टू ऑलवेज, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हमेशा। प्रूव कर लेते हैं, देखो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ध्यान से देखना जरा, शुरू से मैं बता रहा हूं, ठीक है, अब देखो, लेट्स से दिस एंगल इज 2 थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा एंड एक्यूट बाइसेक्टर है, इसलिए ये थीटा थीटा हो जाएगा, राइट, तो ये टोटल एंगल 2 थीटा, अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल एंगल 180, तो ये 2 थीटा, तो ये एंगल पाई माइनस 2 थीटा, हाँ यार, अब इसका एंगल बाइसेक्टर जो होगा
वो हाफ ऑफ करेगा तो इसका हाफ क्या आ जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा, इधर आ जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा। तो इन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा इन दोनों का सम, तो वो क्या आ जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा प्लस थीटा, कट के क्या आ जाएगा। तो दैट मींस एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बीच में सबसे पहले हमेशा एंगल क्या आएगा 90 डिग्री। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। राइट ओके। अच्छा अब अपने को निकालनी है इनकी इक्वेशन राइट। जब ट्राइंगल्स वाला पार्ट हमने किया था उसके अंदर हमने एंगल बाइसेक्टर किया था और तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है इन सेंटर, अंदर सर्कल बनने वाला उसका सेंटर राइट। तब हमने ये चीज नोटिस की थी कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट का दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है बराबर। ये कंडीशन यूज होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को निकालने के लिए ठीक है। तो अगेन दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है, ध्यान से देखना। पहली वाली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या बोला कि परपेंडिकुलर जो एंगल बाइसेक्टर होगा चाहे वो एक्यूट है चाहे वो ऑब्ट्यूज है डज नॉट मैटर, इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होगा उसका पहली वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दूसरी वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों के डिस्टेंस क्या होने चाहिए सेम। लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई जिसका लोकस निकालना है हमें, जो कि मेरे को एट द एंड क्या देगा एंगल बाइसेक्टर। तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भैया, पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो पॉइंट को मैंने पुट किया तो क्या आ गया a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। देखो इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो एक्स की जगह तो एक्स ही पुट करना है, वाई की जगह वाई पुट करना है, तो बनेगा यही चीज मॉड डिवाइडेड बाय ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू दैट मस्ट बी इक्वल टू इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू का मॉड डिवाइडेड बाय ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये चीज को ओपन करके जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सो सेकंड पॉइंट इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ठीक है दैट इज नथिंग बट दिस राइट। अब रुक जाओ अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, जो जो डाउट आ रहा है लास्ट तक खत्म हो जाएगा, अभी होल्ड करो डाउट ठीक है। चलो आई टेक एन एग्जांपल, इफ फर्स्ट लाइन इज एक्स प्लस चलो एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो एंड दूसरी लाइन है 7x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन निकालनी है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दोनों राइट। तो हमने क्या किया पहले इसके अकॉर्डिंगली ये दैट इज इसी लाइन को पकड़ा x माइनस वाई प्लस 5 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, तो क्या आ गया रूट 2 That is equal to mod. अब इसको पकड़ा 7x minus y plus 2 divided by x का coefficient का square 49, y का coefficient का square 1. तो दोनों को add करके root 50. Under root किया तो root 50. Root 50 क्या हो गया? 5 root 2. Root 2 root 2 कटा 5 इधर आ गया. तो चलो जो भी है. अब ध्यान से देखो mod को कैसे open करना. Right? तो बच्चों को ये लगता है. It's like ये आया. Mod A is equal to mod B. तो बच्चों को ये लगता है कि इधर भी प्लस माइनस आएगा, इधर भी प्लस माइनस आएगा ओपन जब होगा मोड, तो मेरे चार केसेस बनेंगे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, हाँ है ना। लेकिन एक्चुअली में ध्यान से देखो a इक्वल टू b प्लस प्लस वाला केस एंड माइनस a इक्वल टू माइनस b, ये दोनों केसेस सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का नेगेटिव नेगेटिव कटेगा।
तो एक्चुअली में ये दोनों केसेस सेम है, एंड प्लस ए इक्वल टू माइनस बी एंड माइनस ए इक्वल टू प्लस बी, ये भी दोनों सेम है, माइनस एन में शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये भी दोनों केसेस सेम, तो एक्चुअली में दो ही केस बनेंगे, दैट मीन्स एक ही तरफ प्लस माइनस ओपन करो, यू विल गेट द टू इक्वेशंस। तो इसका इन जनरल क्या बना, फिर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन डिवाइडेड बाय ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू डिवाइडेड बाय ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर अंडर द रूट। एक बार प्लस लेके एक इक्वेशन आ जाएगी, एक बार माइनस लेके दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, लेकिन पता नहीं अभी तक कौन सा होगा, राइट right? वो भी अपने को पता करना है। नाउ तो क्या बना, देखो फाइव इधर ले आओ, एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू प्लस माइनस सेवन एक्स माइनस वाई प्लस टू। तो इसको प्लस लेके क्या बना, देखो 5x प्लस 7x, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस लेके माइनस 5, तो माइनस 5y उधर जाके प्लस 5y प्लस 5y माइनस y प्लस 4y, 5 5 द 25 प्लस 2, तो 2 इधर आके 23। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई, ये प्लस लेके आई। अब अगर इधर मैंने माइनस लिया तो 5x माइनस सेवन एक्स, तो माइनस सेवन एक्स इधर आके 12x माइनस फाइव वाई प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस फाइव माइनस फाइव उधर जाके क्या हो जाएगा 6y। श्योर? अब कॉन्स्टेंट टर्म 25 माइनस टू, तो माइनस टू इधर आके तो 27, उधर जाके वो माइनस 27, इधर जगह नहीं थी तो इसलिए माइनस 27, तो ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। अब याद करो हमने क्या बोला, एक इसमें से क्यूट होगा दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, लेकिन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अब मेरे को ये बताओ इसके एक्स एंड वाई कोएफिशिएंट दोनों सेम तरफ है, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है माइनस 2/4, तो दैट इज माइनस, तो इसका स्लोप आया पहली का माइनस 1/2। अच्छा इसका स्लोप क्या आ रहा है, कैसे इसको लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेके जाओ चाहे ना लेके जाओ, y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लाना है, तो y एक तरफ है x एक तरफ है, तो बस y के क्वेश्चन से डिवाइड कर दो, जो x का क्वेश्चन आएगा वो स्लोप होगी, कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता, वो इधर आ जाओ उधर, राइट right? तो इधर क्या, नहीं 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 वो निकालने नहीं, प्रूव करना है कि वो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ m1 m2 minus 1 आ रहा, तो इसका स्लोप क्या आ गया 2, राइट right? तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1, तो यस बोथ आर परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ, पहले ये लिखो फिर आगे कंटिन्यू करता हूं जल्दी। एक चीज समझना, अब इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, तो इसका शॉर्टकट ये है कि जो गिवन लाइंस है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, मतलब जिन दोनों लाइन्स की इक्वेशन निकालनी है, जिन दोनों लाइन्स का एंगल बाइसेक्टर हमें निकालना है, राइट right? तो हमें उनका क्या निकालना है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, मतलब हमें उनके x के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, y के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, एंड इसका साइन ऑब्जर्व करना है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर मैंने इधर रखा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रख के जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे को, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसके साइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एंड ऑपोजिट साइन ऑब्वियसली क्या देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मान लो इसका पॉजिटिव आ गया, अज्यूम करो ये पॉजिटिव आया, तो इधर प्लस रखा तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा, माइनस रखा तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा, दो ही क्वेश्चन आएंगे ना, एक प्लस रखे एक माइनस रखे, तो सेम साइन रखा तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑपोजिट रखा तो एक्यूट।
अब अगर ये माइनस आया तो इधर माइनस रखा तो ऑब्ट्यूज, मतलब सेम साइन रखना, और ऑपोजिट रखा तो एक्यूट। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, ये दो इक्वेशन थी ना अपने को गिवन, तो अपना क्या आ रहा है a1 a2 यानी कि 1 n into 7 7 minus 1 into minus 1 तो plus 1 that is positive, हाँ ये ना, तो इसका मतलब ये कि यहां पर जो पॉजिटिव रख के जो पहली वाली इक्वेशन आई थी ये है हमारी ऑब्ट्यूज वाली, एंड ये माइनस रख के आई थी ये है हमारी एक्यूट वाली। अब ये पता कैसे करना है, लेट्स प्लॉट, प्लॉट करके ये पता चलेगा। हाँ जी देखो पहली लाइन बोलो जरा क्या थी, x माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, दूसरी 7x माइनस प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो देखो ये दो लाइंस है अपने को गिवन लाइंस, ठीक, और इनका एक क्लियरली एक्यूट एंगल बन रहा है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, राइट। अब जो दो एंगल बाइसेक्टर आए हैं वो बोलो जरा, 23x तो 23 इक्वल टू 2x, ठीक है 23 इक्वल टू 2x प्लस 4y। पहले ये देख लो जरा, ये दिखाई दे रहा है ये ग्रीन वाले लाइन जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, ये बड़े वाले एंगल का बाइसेक्टर है, राइट, और मैंने इधर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ही बोला है, राइट। अब दूसरी वाली इक्वेशन बोलो, 12x इक्वल टू 6y माइनस 27, ये देख लो दूसरी अपने आप जो है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बन गए। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। इन दोनों का ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये ऑब्ट्यूज 90 डिग्री, वो 90 डिग्री चलो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो थर्ड पॉइंट ये है, ठीक है, शॉर्टकट फॉर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, मतलब निकालने से पहले मेरे को पता होगा मैं कौन सी निकाल रहा हूं, एक्यूट निकाल रहा हूं या ऑब्ट्यूज निकाल रहा हूं, तो ये नोट करो एंड साथ में लिख लो इसके साथ ये ऑब्ट्यूज है ये एक्यूट है बिकॉज ऑफ द साइंस दैट वी हैव अज्यूम्ड। देखो अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज है, ठीक है, देखो अगेन दो लाइंस ली, ठीक है, L1 इक्वल टू जीरो एंड L2 इक्वल टू जीरो। नाउ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ L1 इक्वल टू जीरो एंड L2 इक्वल टू जीरो इज, ये फोर्थ पॉइंट है, राइट। नाउ क्या बोल रहा है, अब मेरे को एक लाइन चाहिए जो L1 के साथ है एंड L2 के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब सेम एंगल बनाती है, यानी कि इस तरीके से, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, मतलब इन दोनों गिवन लाइंस के साथ मिलके एक ऐसी लाइन जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए, वो लाइन जो होगी वो एंगल बाइसेक्टर्स के पैरेलल होगी, मतलब अगर मैंने यहां पे इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया तो ये लाइन और ये लाइन क्या आएगी पैरेलल 100%। क्यों, बड़ा सिंपल सा रीजन है, देखो ध्यान से देखना जरा, ये छोड़ दो, ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली ये थीटा, तो ये क्या होगा थीटा, राइट अच्छा अब ये पैरेलल है तो ये भी थीटा, हाँ जाना, बेसिकली मैंने क्या किया, ठीक है ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया एंड फिर मैंने क्या किया एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन बनाई। अब मेरे को नहीं पता ये वाली जो पैरेलल लाइन एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन है ये दोनों एंगल इसके सेम होंगे, मेरे को अभी तक नहीं पता, मेरे को वो प्रूव करना, तो अपने आप ये पॉइंट प्रूव हो जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले मैंने ये एंगल निकाला क्योंकि पैरेलल है तो ये वाला एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट।
अब ये पैरेलल इसके कारण ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर आ गए। तो यस, कोई भी लाइन जो एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल रहेगी वो गिवन दोनों लाइंस के क्या रहेगी, इक्वली इंक्लाइन रहेगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। राइट, अब देखो ऐसे बनाई लाइन, तो ये वाली लाइन जो है ये इस वाले एंगल बाइसेक्टर दूसरे वाले एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल, तो ये भी इधर क्या बनेगी, इक्वली इंक्लाइन बनेगी, मतलब दोनों ऑब्वियसली दोनों के ऊपर ये प्रॉपर्टी चलेगी। बात समझे? नाउ क्वेश्चन, लेट वही वाली दो लाइन बोलो, नहीं x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो या प्लस फाइव इक्वल टू, फाइव इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि लेट दीज टू लाइंस आर इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड which passes through 1, 2, ठीक है। देखो ये जो दो लाइन थी ये ऐसे करके कुछ थी, अब यहां से पास करने वाली और ये इक्विलेटरल आइसोसेलिस ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब थर्ड साइड की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो वो ऐसी होगी राइट, इस वाले एंगल पे सेक्टर के पैरेलल एंड इस पॉइंट से पास करनी, क्योंकि देखो एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइंस तो बहुत सारी होंगी लेकिन मेरे को वो चाहिए जो इस पॉइंट से पास करे, ऐसे दूसरा बनेगा ये वाला केस, दूसरे वाले एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल इसी पॉइंट से पास करने वाली, तो ऑब्वियसली दो ऐसे एंगल्स बनेंगे एसोसिएटेड ट्रायंगल जिनके इक्वल साइड्स यस ये दोनों लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी, पहला केस ये वाला ट्रायंगल, दूसरा केस ये बड़ा वाला ट्रायंगल, हाँ है ना। अब मेरे को ये भी पता है कि ये वाली लाइन की जो स्लोप होगी वो इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल है तो इसकी स्लोप के बराबर होगा, और इस वाली लाइन की जो स्लोप होगी वो दूसरी वाली एंगल बाइसेक्टर की स्लोप के बराबर होगा। अब मेरे को बताओ एंगल पहले वाले एंगल बाइसेक्टर की स्लोप क्या आ रही थी, माइनस हाफ, और दूसरी वाली एंगल बाइसेक्टर की स्लोप क्या आ रही थी, टू, जो हमने ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकाले, तो मेरे को स्लोप पता चल गई। स्लोप कैसे निकलेगी, लाइन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दो मेथड है एक्चुअली में, अब स्लोप निकाल ये मेरे को पता चल गया कि यस जो एसोसिएटेड ट्रायंगल का थर्ड साइड आएगा उसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप मस्ट बी दैट लाइन लाइन विद दैट स्लोप मस्ट बी पैरेलल टू द एंगल बाइसेक्टर, हाँ या ना। तो एक तरीका तो ये मैं भाई एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो इन दोनों की और वहां से दोनों की स्लोप निकाल लो, तो मेरे को ये वाली लाइन की स्लोप मिल जाएगी जो बेस बनाएगा मेरे को एसोसिएटेड ट्रायंगल का, हाँ या ना। वही मैंने किया, मैं अभी पुराना वाला क्वेश्चन साथ में लेके जा रहा हूं, तो मैंने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली वहां से दोनों की स्लोप निकाली वो आ गई माइनस हाफ एंड टू, तो इस वाली साइड की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब ये पॉइंट क्या है, इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस टू बाय एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ, या फिर y माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू टू, तो ये दोनों के दोनों एसोसिएटेड ट्रायंगल के बेस एक्ट करेंगे, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, अब एक तो मेथड ये चला गया, ये थोड़ा लंबा गया स्टिल, राइट ये स्टिल थोड़ा लंबा गया, अब एक और सिंपल मेथड इसका, क्योंकि देखो मेरे को लाइन की मेरे को एंगल बाइसेक्टर तो चाहिए नहीं, मेरे को उसकी क्या चाहिए, सिर्फ स्लोप। नाउ अगर मेरे को एंगल बाइसेक्टर की स्लोप चाहिए और मेरे को उसकी इक्वेशन नहीं चाहिए, तो मैं एक और काम कर सकता हूं, क्या, इसी के अंदर लेट से गिवन लाइन की स्लोप m1 दूसरी लाइन की स्लोप m2 एंड ये स्लोप है m, अब ये m स्लोप m1 के साथ और m2 के साथ क्या बनाएगी, सेम एंगल, तो m का m1 के साथ एंगल क्या आएगा, m माइनस m1 बाय 1 प्लस m m1 का मोड, हाँ या ना, दैट वुड बी इक्वल टू, और वही tan थीटा इन दोनों के बीच में होगा, m माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 का मोड, हाँ या ना। सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड टू वैल्यूज ऑफ
एम, और यहां से जो दो एम मिलेंगे वो होंगे जो गिवन दोनों लाइंस के साथ सेम एंगल बनाते हैं, इक्वली इंक्लाइंड है। और वो कौन से दो एम होंगे? एक ये वाला एम होगा, पहली वाली एंगल में सेक्टर के पैरेलल स्लोप आ जाएगा, और दूसरा दूसरी वाली एंगल में सेक्टर के पैरेलल स्लोप आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला, ये फोर्थ पॉइंट, सॉरी फिफ्थ, ये पॉइंट, ये यहां से मेरे को जो स्लोप मिलेगी वो क्या मिलेगी? वो एक्चुअली में एंगल बाइसेक्टर की स्लोप मिलेगी। अब ये फॉर्मूला मेरे को क्या देगा? डायरेक्टली स्लोप ऑफ एंगल बाइसेक्टर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, ठीक है? तो ये क्या देगा? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, और एम क्या है? स्लोप ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो मेरे को अगर इक्वेशन निकाल के फिर स्लोप निकालनी है तो वो भी मैं कर सकता हूं, या डायरेक्ट स्लोप निकालनी है मैं वो भी कर सकता हूं। अब इसके थ्रू करके दिखाता हूं मैं। देखो पहली वाली लाइन की स्लोप क्या थी? वन, एम वन आ गया वन, एम टू सेवन। अब एम स्लोप जिसका एंगल इसके साथ, एम स्लोप जिसका एंगल सेवन के साथ, तो आ जाएगा एम माइनस सेवन बाय वन प्लस सेवन एम का मॉड, दैट इज इक्वल टू एम का एंगल वन के साथ एम माइनस वन ओवर वन प्लस एम इंटू वन। ये अब ऑब्वियसली दो तरफ मोड है तो ओपन होकर एक बार ही प्लस माइनस आएगा। अब सबसे पहले मैंने लिया प्लस, ठीक, तो प्लस लेके क्या जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस सेवन, माइनस सेवन एम एन प्लस एम, तो माइनस सिक्स एम, दैट इज इक्वल टू सेवन एम स्क्वायर माइनस वन माइनस सेवन एम एन प्लस एम माइनस सिक्स एम। ये कटा, ठीक। अच्छा दोनों को इधर ले आओ, तो सेवन एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सिक्स एम स्क्वायर माइनस सेवन इधर आके प्लस सेवन, प्लस सेवन माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब भैया यहां से क्या मिला मेरे को? एम स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, सिक्स को मना के, राइट। तो इसका तो इमेजिनरी स्लोप होती है, तो इसका क्या आ जाएगा? एम फाइव। मतलब प्लस लेके मेरे को कुछ नहीं मिला, हाँ या ना? अब माइनस लेके देखते हैं, ठीक है? तो विद नेगेटिव क्या आ जाएगा बोलो जरा? इधर इन दोनों का प्रोडक्ट वो तो यही आ जाएगा, दैट इज एम स्क्वायर माइनस सेवन माइनस सिक्स एम इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट वो यही आएगा बट विद नेगेटिव। तो माइनस सेवन एम स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स एम। अब सब कुछ इधर ले आओ, तो एट एम स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एम माइनस एट इक्वल टू जीरो, फोर से कटा टू एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर, तो टू एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस एम माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो टू एम कॉमन एम माइनस टू माइनस वन कॉमन प्लस वन एम माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू टू या फिर माइनस वन बैठे। तो अपने अब वो आई, अपने अब जो दो वैल्यूज मिलेंगी ये कौन सी वैल्यूज होंगी? एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की स्लोप, दूसरी ऑब्ट्यूस। तो मैंने अभी तुम्हें ओवरऑल पिक्चर अगर मैं समझाऊं, मैंने क्या बताया तुम्हें? सबसे पहले एक्यूट दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका जो दो एंगल बनेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, तो दोनों के एंगल बाइसेक्टर हम निकाल सकते हैं, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। सेकंड पॉइंट हमारा था कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालनी है कंबाइंड प्लस माइनस करके। अभी इनमें पता नहीं है कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है, तो इक्वेशन कैसे निकालनी है वो चीज हमने देखी। थर्ड शॉर्टकट कि दोनों में से कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूस होगा, तो हमने a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन ऑब्जर्व किया, जो a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन है वही साइन उधर प्लस माइनस के अंदर रखेंगे तो मेरे को ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, सेम साइन चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता, और ऑपोजिट साइन रखेंगे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। देन फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था कि जो लाइन गिवन दोनों लाइंस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगी वो एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी, सेम एंगल बनाएगी थीटा। जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी उसके पैरेलल लाइन हमेशा गिवन दोनों लाइंस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगी, सेम एंगल बनाएगी। तीसरा अब फिफ्थ पॉइंट, अब अगर मेरे को एक्चुअली में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर की सिर्फ स्लोप चाहिए, मेरे को उनकी इक्वेशन नहीं चाहिए, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, आई विल टेक द स्लोप एम जो एम वन स्लोप के साथ एम टू स्लोप के साथ इक्वल एंगल बना रही है, तो एम का एंगल एम वन के साथ एम का एंगल एम टू के साथ दोनों को बराबर करो प्लस माइनस करके ओपन करो, एक बार फाई आ जाएगा, एक बार फाई आ जाएगा और दूसरी बार दोनों स्लोप आ जाएंगे, और ये दोनों स्लोप किसकी है? ये दोनों स्लोप है उन लाइन की जो गिवन दोनों लाइंस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है और
वही लाइन हमारी एंगल बिसेक्टर के पैरेलल होती है, तो यही दोनों स्लोप्स किसकी हैं? एंगल बिसेक्टर की। एक एक्यूट की, दूसरी ऑब्टूज की। अब यहां पे मेरे को नहीं पता कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्टूज है, बट दोनों मतलब स्लोप्स हैं। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ अभी तक? यस सर। राइट, नोट करो। यस सर, नोट करो। अब एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है, हमने एक शॉर्टकट देखा अभी, a1 a2 plus b1 b2 का साइन, राइट, वो देगा हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एंड उसका ऑपोजिट साइन क्या देगा? बट यार अगर a1 a2 plus b1 b2 जीरो चला गया तो एट देन a1 a2 plus b1 b2 कोई ना कोई तो एक नंबर की वैल्यू आएगी, कोई ना कोई मैथमेटिकल नंबर होगा, तो वो या तो पॉजिटिव होगा, तो अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। नेगेटिव रखेंगे तो एक्यूट, और अगर a1 a2 plus b1 b2 नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव रखेंगे तो ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव रखेंगे तो एक्यूट। लेकिन अगर a1 a2 plus b1 b2 ही जीरो आ गया तो फिर कैसे पता चलेगा कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज? कौन सा एंगल? तो ना एक्यूट ना ऑब्ट्यूज, तो दोनों एंगल इन दैट केस क्या बनेंगे? तो इसका मतलब है गिवन दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये कहना चाहते हो? तो अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लेट सी क्या यही केस है, एक्चुअली में यही केस है, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, गिवन लाइंस, तो a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus इसकी स्लोप माइनस a1 by b1, इसकी स्लोप माइनस a2 by, अब इन दोनों का किया प्रोडक्ट तो क्या आ गया? इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन किया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके माइनस माइनस कटा, a1 a2 by दैट इज माइनस वन, तो ये हुआ। तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर हुई तो दोनों एंगल बराबर, तो नो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, नो, अलग अलग नहीं कर सकते, एंगल बाइसेक्टर आएंगे बट उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ना एक दोनों एंगल बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इक्वेशन क्यों सेम आएंगे? इक्वेशन तो अलग अलग होंगी, लेकिन उनको नाम नहीं दे सकते कि ये एक्यूट है ये ऑब्ट्यूज है, नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि a1 a2 plus b1 b2 जो हमारा था ये डिफरेंशिएट करने में, टैग एक प्रोवाइड करने में काम आता था कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, अब नाम नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो देखो क्या बना, a1 a2 by b1 b2 equal to minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, तो a1 a2 equal to minus b1 b2 इधर ले आओ, a1 a2 plus b1 equal to 0, तो ये तो चीज आ गई हमारी। तो कहने का मतलब सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या है कि इफ a1 a2 plus b1 b2 becomes is equal to 0 then the given two lines are perpendicular, then there exists no acute angle bisector or obtuse angle bisector but just angle bisectors, ठीक है? देखो if a1 a2 plus b1 b2 equal to 0, if a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0 then there exists no acute or obtuse angle bisector, then there exists no acute or obtuse angle bisector, then there exists no acute or obtuse angle bisector but just angle bisectors, but just angle bisectors, but just angle bisectors, ठीक है? bisect angle bisectors आएंगे अभी भी, but इनके बीच में हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये वाला acute है ये वाला obtuse है, क्यों? क्योंकि दोनों angle ही same है। बात समझा चित्राक्ष? confusion हो रही बोल दे, पक्का? हाँ बिल्कुल, ये angle 90 होगा ना, acute angle क्या होता है basically, देखना ऐसा है, तो ये acute हो जाएगा ये obtuse हो जाएगा, तो इसका जो bisector होगा वो acute angle bisector होगा और दूसरे का obtuse angle bisector, लेकिन अगर दोनों angle ही 90-90 है, दोनों बराबर, ना छोटा ना बड़ा, तो ना एक्यूट ना ऑब्ट्यूज, तो ना एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ना ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो लेकिन उनको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है? चलो वी आर डन विद दिस थ्योरी, एक दो छोटे छोटे पॉइंट है वो कल कवर अप करके कल खत्म करेंगे, ठीक है? डन, थैंक यू।